बिजली उत्पादन में हरियाणा की बीजेपी सरकार साबित हुई फेल। प्रदेश में बीजेपी ने 8 सालों में नहीं लगाया एक भी पावर प्लांट। हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल में किए थे 5 पावर प्लांट स्थापित। बीजेपी ने उल्टा पानीपत थर्मल की 4 यूनिटों को किया ध्वस्त। हरियाणा में बढ़ते बिजली संकट के बीच प्रदेश की बीजेपी सरकार बिजली संयंत्र स्थापित करने में फेल साबित होती हुई नजर आ रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सरकार को 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश में अभी तक कोई भी नया पावर प्लांट स्थापित नहीं हो पाया है। बल्कि इसके उलट बीजेपी सरकार ने पानीपत थर्मल प्लांट की 4 यूनिटों को ध्वस्त कर दिया है। हालांकि बीजेपी सरकार ने यमुनानगर में एक नए बिजली संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा जरूर की है, लेकिन अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। वहीं बात अगर पिछली कांग्रेस सरकार की करें तो हरियाणा में हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में 5 बिजली संयंत्र स्थापित किए गए थे। आपको बता दें कि प्रदेश में साल 2005 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो प्रदेश का कुल बजट 2200 करोड़ का था और उसमें से भी कांग्रेस सरकार ने 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ करके ऐतिहासिक निर्णय लिया था। बता दें कि प्रदेश में जब साल 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी उस समय बिजली व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई थी और बिजली उत्पादन की क्षमता 1550 मेगावाट की थी, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में 10 सालों में खेदड़ में 1 और झज्जर में 2, यमुनानगर में 1 और पानीपत में 1 बिजली के कारखाने लगवाने का काम किया था, जिसके बाद हरियाणा में बिजली उत्पादन क्षमता 12,740 मेगावाट तक पहुंच गई थी। अब सवाल ये उठता है कि हुड्डा सरकार द्वारा स्थापित किए गए 5 बिजली संयंत्रों के बाद भी सरकार महंगे दामों पर अडानी ग्रुप से बिजली क्यों खरीद रही है? अगर प्रदेश को बिजली का संकट है तो क्या बीजेपी सरकार खुद के बिजली संयंत्र स्थापित करने में सक्षम नहीं है, या फिर सरकार अडानी ग्रुप को ही मुनाफा पहुंचाने में लगी है? ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।